सो वेल हेलो देयर। तो आज के इस यूट्यूब वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि एक्चुअली में है इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। तो आज के समय में रिसेंटली ये जो टॉपिक है ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि शेयर मार्केट की दुनिया में जो लोग एकदम बिगनर्स होते हैं, यानी कि जो लोग पहली बार अपने पैसे को इस शेयर मार्केट की दुनिया में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, उन लोगों के दिमाग में हमेशा ही कन्फ्यूजन रहता है। उन हमेशा ये कन्फ्यूज रहते हैं कि आखिरकार उन लोगों को अपने लाइफ में अपने पैसों से क्या करनी चाहिए, ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो बस इस वीडियो को एंड तक पूरा देख लेना, वो भी बिना सेव किए, और आपको सब समझ आ जाएगा, क्योंकि आज हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन दोनों को एकदम डीप में समझने वाले हैं, और इन दोनों के जो की डिफरेंस है उसको भी एक एक करके डिटेल में समझने वाले हैं। वेल, इसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार इन दोनों में से आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेटर है और कौन सा ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ऐसे देखा जाए तो एक्चुअली में ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म गेम रहता है, जहां लोग जनरली अपने पैसे को बहुत सारे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि स्टॉक्स में, रियल स्टेट में और क्रिप्टो करेंसी जैसे कि एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। उन लोगों का सिर्फ एक ही गोल रहता है कि वो इन एसेट्स के प्राइस में होने वाले शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को अच्छे तरीके से यूज़ करे और उन्हें प्रिडिक्ट करके अपने एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से निकाल ले। और जनरली एक टिपिकल ट्रेडर्स अपने इन्वेस्टमेंट्स को अराउंड कुछ सेकंड्स लेकर मैक्स टू मैक्स 1 से 2 हफ्ते के लिए होल्ड करके रखता है। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग एक्चुअली में एक लॉन्ग टर्म गेम होता है, जहां लोग अपने पैसों को बहुत ज़्यादा सोच समझकर या तो कोई अच्छे कंपनी के स्टॉक्स में या फिर कोई अच्छे से म्यूचुअल फंड्स या फिर इंडेक्स फंड्स में वो अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद वो अपने उस इन्वेस्टमेंट को अराउंड 20 से 30 सालों के लिए होल्ड करके रखते हैं, ताकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से उन लोग अपने लाइफ में एक रियल वेल्थ को जनरेट कर सकें और अपने लाइफ में अमीर बन सकें। और इस दौरान ये इन्वेस्टर डिविडेंड इनकम के थ्रू अपने लाइफ में अपने इन्वेस्टमेंट के द्वारा एक रेगुलर इनकम जनरेट करते हैं। तो वीडियो के एंड में हम लोग कुछ ऐसे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आखिरकार आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेटर है, ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग। लेकिन उसके लिए अभी टाइम है, क्योंकि अभी हम बात करेंगे कुछ और ऐसे डिफरेंसेस के बारे में जो कि ट्रेडिंग को एक्चुअली में डिफरेंट और अलग बनाता है इन्वेस्टिंग से। फंडामेंटल एनालिसिस। तो इन्वेस्टिंग में जब भी लोगों को अपने पैसों को किसी भी अच्छी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना रहता है, निवेश करना रहता है, तो ऐसे ही किसी भी रैंडम कंपनी के स्टॉक्स में अपने पैसों को इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर देते उन लोग, बल्कि अपना अच्छा खासा पूरा टाइम लेते हैं और उस कंपनी को एक एक करके डिटेल में एनालाइज करना शुरू करते हैं, अच्छे से स्टडी करते हैं। उसके बाद उन लोग ऐसी कंपनी पिक करते हैं जिसको वो ऑलरेडी अपने लाइफ में बहुत अच्छी से जानते हैं। उसके बाद उन लोग उस कंपनी के हर एक एक छोटी छोटी डिटेल्स को एनालाइज करना शुरू करते हैं अपने लाइफ में। सबसे पहले उन लोग उस कंपनी की ओवरऑल बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये कंपनी पैसे कमाती कैसे है और आखिरकार ये कंपनी प्रॉफिट्स कैसे बनाती है। सबसे पहले इन लोग इसको समझते हैं, यानी कि इन लोग ओवरऑल बिजनेस मॉडल को सबसे पहले समझते हैं। उसके बाद उन लोग उस कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स को एकदम डिटेल में पढ़ते हैं और बैलेंस शीट को अच्छे तरीके से समझकर ओवरऑल कंपनी को और ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आखिरकार कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, क्या फाउंडर्स और जो सीईओस हैं उन लोग एक्चुअली में कंपनी को लेकर सीरियस है या फिर नहीं, क्या कंपनी में हार्डवर्क और टीम वर्क होता है या फिर नहीं, और आखिरकार कंपनी में लीडरशिप की क्वालिटीज़ कैसी है। तो इतना सब कुछ हर एक छोटी छोटी चीज़ों को जानने के बाद भी ये सब इन्वेस्टर्स को चैन नहीं मिलता। इन लोग उसके बाद भी उस कंपनी के पास परफॉर्मेंस का एनालाइज करते हैं और फ्यूचर के प्रोजेक्शन को प्रिडिक्ट करते हैं, और फिर जब उन लोगों को ये कन्फर्म हो जाता है और ये बिलीव हो जाता है कि कंपनी आने वाले 10-20 सालों में और भी ज़्यादा ग्रो होगी, और भी ज़्यादा प्रॉफिट बनाएगी, लोगों को और भी ज़्यादा अमीर बनाएगी, तब फिर फाइनली जाकर इन लोग अपने पैसों को उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और उस कंपनी के स्टॉक्स खरीद कर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं। वहीं ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होता है इन्वेस्टिंग के कंपैरिजन में। एक ट्रेडर को फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कंपनी कैसी है, या फिर वो तो कंपनी को अच्छे तरीके से एनालाइज भी नहीं करता। उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है या फिर वो कंपनी फंडामेंटली कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं। वो तो बस कोई भी रैंडम कंपनी को पिक कर लेता है और कोई भी रैंडम कंपनी को सिलेक्ट कर लेता है। उसके बाद शुरू होता है ट्रेडर का असली खेल। उसके बाद वो उस कंपनी को अपने तरीके से एनालाइज करता है, जिसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग की लैंग्वेज में। उन लोग मार्केट न्यूज़ को रेगुलरली अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं और ये जो कैंडल चार्ट्स रहते हैं उसको एकदम बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। उन लोग कैंडल चार्ट्स को समझने में एक्सपर्ट होते हैं और इस ग्राफ को समझ करके स्टॉक के फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं,
और अगर वो इस काम में सक्सेसफुल रहते हैं यानी किसी भी कंपनी के स्टॉक प्राइस को सही प्रिडिक्ट करते हैं तो उन्हें प्रॉफिट होता है, और अगर नहीं तो उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। रिस्क फैक्टर। तो इन्वेस्टिंग में इन कंपैरिजन टू ट्रेडिंग जनरली यानी कि कोई भी ट्रेडिंग के कंपैरिजन इन्वेस्टिंग में रिस्क कम रहता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के बारे में एकदम डीप में रिसर्च करता है, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को एनालाइज करता है, उसके बाद ही वो अपने पैसे को उस कंपनी में इन्वेस्ट करता है। और अब क्योंकि एक इन्वेस्टर जनरली अपने इन्वेस्टमेंट को अराउंड 20 से 30 सालों के लिए होल्ड करके रखता है, सो इसलिए इसके कारण इन सब के कारण उसका रिस्क एकदम मिनिमम से मिनिमम हो जाता है और बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन इसमें सबसे बुरी बात तो ये है कि एक इन्वेस्टर को अपने पैसों को बहुत ज़्यादा ग्रो करने में और उसे अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। कई बार तो इन्वेस्टर को कुछ सालों तक वेट करना पड़ता है एक रियल वेल्थ को जनरेट करने में और उसको ट्रूली इन्जॉय करने में। वहीं दूसरी तरफ ट्रेडिंग में आप हर एक दिन प्रॉफिट कमा सकते हो, उसके साथ साथ हर एक दिन पैसे भी कमा सकते हो, लेकिन इसके कारण ये बहुत ज़्यादा रिस्की भी होता है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो ट्रेडिंग एक असली में एक फुल टाइम प्रोफेशन होता है, और आपको असली में इस दुनिया में यानी ट्रेडिंग की दुनिया से पैसे कमाने हैं तो आपको ट्रेडिंग में एकदम एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। आपको हर एक कैंडल चार्ट कैसे काम करते हैं इसको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, और प्रेडिक्शन कैसे करते हैं इसको भी समझना पड़ेगा। इन शॉर्ट आपको टेक्निकल एनालिसिस का मालिक एकदम एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, तब जाकर आप इस ट्रेडिंग की दुनिया से अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। आप बस ट्रेडिंग को ऐसे ही पार्ट टाइम जॉब की तरह नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस वाकई में काम करता होगा, चलो हम इसको अच्छे से मान लेते हैं, लेकिन ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक बात तो ये है कि कई बार लोग बस अपने इंट्यूशन के बेसिस पे ही डिसीजन लेने लगते हैं। यानी कि कई बार लोगों को बस ये लगता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, और उन्होंने अपने अंदाजे में आकर बस इंट्यूशन के बेसिस पर ही उन्होंने अपना बैट लगा देते हैं, जिसके कारण उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है, और वो जितना ज़्यादा कमाए रहते हैं उससे कई ज़्यादा वो ट्रेडिंग में डुबा देते हैं। तो अब फाइनली बात करते हैं टैक्सेस के ऊपर। तो ट्रेडिंग में हर एक दिन एक ट्रेडर को मल्टीपल ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, वो भी लगातार। तो इन सब के कारण वो ना चाहते हुए भी एक ट्रेडर को सबसे ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब क्योंकि इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम होता है और वहाँ लोग अपने पैसों को लंबे समय के इन्वेस्ट करते हैं, सो इसलिए उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसके कारण उन्हें अपने पैसों को बचा पाते हैं। वेल, आज के समय में हर एक टीनेजर्स को अपने लाइफ में ट्रेडिंग में बहुत इंटरेस्ट आने लग गया है, पता नहीं कैसे, लेकिन जिसको देखो ट्रेडिंग करनी है और अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल और एक रिच ट्रेडर बनना है। लेकिन अचानक से ये सब हुआ कैसे? तो उसका कारण ये है कि आज के समय में सभी लोगों को अपने लाइफ में जल्दी अमीर बनना है, सब लोगों को इंस्टेंटली रिच बनने का फॉर्मूला चाहिए। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि अराउंड से 5-10% ट्रेडर्स ही इस ट्रेडिंग की दुनिया से प्रॉफिट बना पाते हैं और अपने लाइफ में पैसे कमा पाते हैं। बचे जो 80-90% ट्रेडर्स हैं वो अपने पहले एक साल के ट्रेडिंग में ही अपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो रुपए हैं उसको इस ट्रेडिंग की दुनिया में लूज कर देते हैं। तो इसलिए अब हम ये जानते हैं कि आखिरकार इन दोनों में से आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेटर है, यानी कि आपके लिए ट्रेडिंग सही है या फिर आपके लिए इन्वेस्टिंग सही है। तो ये आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है एक्चुअली में, और इंडिविजुअल के पर्सनल ओपिनियन पे ही डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपके केस में देखा जाए तो ये डिपेंड करेगा कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, यानी कि आपको आपके लाइफ में शॉर्ट टर्म गेन्स पसंद है या फिर आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएशन पसंद है। ये उस पर डिपेंड करता है। ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आप अपने लाइफ में कितना रिस्क ले सकते हो, क्या फ्रीक्वेंट लॉस के लिए कंफर्टेबल हो या फिर नहीं, इस पे कि आप अपने पैसों को सालों तक इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो या फिर आपको बस फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग करनी है और छोटा मोटा प्रॉफिट कमाना है, और फाइनली कि एक्चुअली में आपको क्या पसंद है, टेक्निकल एनालिसिस करना या फिर फंडामेंटल एनालिसिस करना। तो ये सब कुछ फंडामेंटल्स क्वेश्चन है जिसको आप अपने हिसाब से अपने लाइफ के हिसाब से आंसर करके ये पता लगा सकते हो कि आखिरकार आपके लिए इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा सूटेबल और बेटर है। ट्रेडिंग में आप पैसे के लिए काम करते हो, वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग में पैसे आपके लिए काम करते हैं। तो आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो सही में अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप फ्यूचर में ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए।